नाभाजेल ब्रेक कांड का मुख्य सरगना और 5 लाख रुपए के इनामी कुलप्रीत सिंह देवल और सुनील कालरा और शैला को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कैश भी बरामद हुआ है। गुड़गांव में एनएसजी कैंपस में 4 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। एनएसजी के कुक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 15 जनवरी को कैंपस के अंदर पार्क में खेल रही उसकी बेटी के साथ एक व्यक्ति ने रेप किया। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। बिहार में औरंगाबाद के टंडवा में जंगलों में सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई है। ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का शक्तिशाली केन बम बरामद हुआ है। इसके अलावा एक देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के लातूर के साखरा पाटी इलाके के एक पेट्रोल पंप की लूट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना सोमवार रात की है, जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने रिवॉल्वर की नोक पर 50,000 रुपए नगद और 7 तोला सोना लूट लिया। लुटेरों ने लोगों को डराने के लिए 3 हवाई फायर भी किए। बिहार के जहानाबाद में मानसिक तौर पर कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची की माँ एक स्कूल में टीचर है। पीड़ित माँ के साथ रोज स्कूल आती थी। पीड़ित की माँ ने एक टीचर समेत 4 लोगों के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। यूपी के कौशाम्बी में डायल 100 में तैनात पुलिसकर्मी हाईवे पर वाहनों से वसूली करते हुए पाए गए। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी अवैध वसूली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ की गोमती नदी में लड़की और लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की की पहचान 30 वर्षीय ममता के तौर पर हुई है। लड़के की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लड़की को आखिरी बार मॉर्निंग वॉक के दौरान देखा गया था, जबकि लड़के का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में पारिवारिक कलह से परेशान होकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी को जहर दे दिया। इसके बाद खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मां बेटी की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। कल एक दिन में ही करीब 60 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सारनाथ में एक शराबी पिता ने 5 साल के बेटे को चाकू से कई बार कर मार डाला। आरोपी का बेटा पतंग खरीदने के लिए 2 रुपए मांग रहा था। इसी से नाराज होकर उसने बेटे पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है।